Hello children, welcome to ASA Education, your own learning channel. आज हम RBSE बोर्ड की इंग्लिश बुक Let's Learn English ग्रेड 1 का 10th एंड लास्ट चैप्टर करेंगे. इस चैप्टर में 3 पोएम्स हैं. सो हम पहली पोएम से स्टार्ट करते हैं. पहली पोएम है टेडी बेयर. सो पहले हम इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर उसका हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे. Teddy bear, turn around. Teddy bear, touch the ground. Teddy bear, polish your shoes. Teddy bear, go to school. तो अब इसका हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं. Teddy bear, चारों तरफ घूमो. Teddy bear, फर्श को छुओ. Teddy bear, अपने जूते पॉलिश करो. टेडी बेयर स्कूल जाओ. ये थी आपकी 10th एंड लास्ट चैप्टर की फर्स्ट पोयम. अब हम चैप्टर 10th की सेकंड पोयम करते हैं. सेकंड पोयम है आई हैव ए लिटिल नोज. आई हैव ए लिटिल नोज एंड आई हैव ए लिटिल चिन एंड आई हैव ए लिटिल माउथ जस्ट टू पुट माई डिनर इन. अब इसको हिंदी में करते हैं. मेरे एक छोटी नाक है और मेरे एक छोटी चिन यानी थोड़ी है और मेरा एक छोटा मुंह है मेरे डिनर यानी शाम के खाने को अंदर डालने के लिए यानी शाम का खाना खाने के लिए. ये थी आपके चैप्टर 10th की सेकंड पोयम. अब हम चैप्टर 10th की थर्ड एंड लास्ट पोयम करते हैं. Days of the week, यानी सप्ताह के दिन. जैसा कि इस पोयम के नाम से पता चलता है कि ये पोयम सप्ताह के दिन इंग्लिश में सीखने के लिए है. Let's read. Days of the week. Days of the week, there is Sunday and there is Monday. There is Tuesday and there is Wednesday. There is Thursday and there is Friday and there is Saturday. Days of the week, days of the week. इसको अब हिंदी में करते हैं. सप्ताह के दिन. यहाँ रविवार है और सोमवार है. यहाँ मंगलवार है और बुधवार है. यहाँ बृहस्पतिवार है और शुक्रवार है और यहाँ शनिवार है. सप्ताह के दिन, सप्ताह के दिन. तो आपने देखा ये पोयम इंग्लिश में वीक के जो डेज हैं उनको सिखाती है. यहाँ आपके 10th चैप्टर की थर्ड पोयम यानी लास्ट पोयम फिनिश होती है. अब आपने ग्रेड 1 की पूरी बुक फिनिश कर ली है. कॉन्ग्रेचुलेशन, एंजॉय. थैंक्स फॉर वॉचिंग. आशा है आपको ये वीडियो हेल्पफुल और एजुकेशनल लगा होगा. अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को भी बताएं. अगर आपका कोई क्वेश्चन या कमेंट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें. थैंक यू.